इलेक्ट्रॉनिक बाइक शोरूम, तो थोड़ा सा हम अंदर चलते हैं, सर से बातचीत करते हैं, उनकी सारी ये इलेक्ट्रॉनिक बाइक उनकी हम आपको जानकारी देंगे। चलिए अंदर क्यों चलते हैं। हेलो सर, आपका नाम? नंदन शर्मा। कहाँ से आप? मैं नरसिंहपुर से। हम लोग एक्चुअल में वीडियोस बनाते हैं, तो आपकी ये इलेक्ट्रॉनिक बाइक का बाइक्स का रिव्यू वगैरह हमें पहले आप हमें कौन सी बाइक के बारे में जानकारी बताएंगे? मैं आपको धनबाद की लिथियम प्रो के बारे में जानकारी दूंगा, उसके सारे फीचर्स, रेट और ये चीज़ें और जो जो वो हमें आप जानकारी दीजिए। स्टार्ट प्रो करके एक नया लेड और लिथियम दोनों तरह की बैटरी में आता है और ये 65 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक की रेंज में आता है और एक बार फुल चार्ज होने में ये लेड बैटरी में ये 5 से 6 घंटे लेगा और लिथियम बैटरी में 3 से 4 घंटे ये टाइम लेता है। और इसमें एडवांस जो जो मतलब फीचर्स आए हैं उनकी जानकारी? जी बिल्कुल, इसमें पुरानी हम देखेंगे जो बैटरी वाली गाड़ियाँ होती थी उनसे बहुत नए फीचर्स आ चुके हैं। एक तो पहले डिस्क ब्रेक आया है, दूसरा इसमें सेंट्रल लॉकिंग आती है, सेंट्रल लॉकिंग में हम गाड़ी को लॉक अनलॉक दूर से भी कर सकते हैं और हम इसको चोरी होने से भी उससे बचा सकते हैं। सबसे बड़ी सेफ्टी की बात ये कि आप गाड़ियों चोरी होने का बहुत ही डर रहता है और पेट्रोल आपको पता है 110 छू रहा है इस समय, तो इलेक्ट्रॉनिक बाइक बढ़िया सेफ है। और भैया से इनका रिव्यू अपन जान ही लेते हैं, इसकी सारी फैसिलिटीज बारे फोन करके। जी जी बिल्कुल, तो ये जो गाड़ी है इसमें अभी पुरानी गाड़ियों की तुलना में स्मार्ट कंट्रोलर्स आ गए हैं। जो पुरानी गाड़ियों में वायरिंग के जाल होते थे, बैटरी वाली गाड़ियाँ लोग इसलिए पसंद नहीं करते, बहुत सारी वायरिंग्स होती थी, बहुत सारी बैटरियाँ होती थी, उनको बहुत छोटा कर दिया गया है और बहुत स्मार्ट तरीके से उनको मैनेज किया गया है। इससे इनकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है और इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है। सर, इसके जैसे कि भैया ने बताया लिथियम प्रो के मॉडल के बारे में, ये तो हमने देख ही लिया है, आप और गाड़ी हम देख लेते हैं। चलिए भैया आपके मॉडल्स दिखा दीजिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। तो ये एक और गाड़ी है धनबाद की, इसका नाम है लिथियम 2.0। तो ये भी सेम 2-3 प्रकार की बैटरियों में आती है, इसकी भी रेंज 65 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक जाती है। वैसे इसकी एक विशेषता ये है कि इस गाड़ी की स्पीड तुलनात्मक रूप से दूसरी गाड़ियों से थोड़ी ज़्यादा है, ये 50 किलोमीटर पर आवर तक जाती है और ये भी 60 वोल्ट में गाड़ी, तो ये भी बहुत अच्छा है गाड़ी है, ये भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। और इन गाड़ियों की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की विशेषता ये होती है कि नॉइस फ्री होते हैं, इनमें आवाज़ नहीं होती, तो उससे भी आपकी जो राइड है वो बहुत स्मूथ बन जाती है। थोड़ा सा आप कैमरामैन गाड़ी के पार्ट्स को कैप्चर कर लीजिए। आप देख ही सकते हैं उनके फ्रंट फेस बहुत ही कूल लुक है। सबसे बड़ी चीज ये गाड़ियां आवाज नहीं करती, नॉइस फ्री गाड़ी है, तो काफी वॉयलेशन का खतरा भी हमें प्रदूषण देख रहे हैं आप काफी, तो वो भी खत्म हो चुका है। और अब हम चलते हैं सबसे कूल जो लगती है गाड़ी धनबाद की, ये सबसे बेस्ट मॉडल हमें लग रहा है देखने में, सबसे सस्ती और सबसे अच्छी रेंज में, कूल भी लुक भी इसका काफी औसम है। तो थोड़ा सा सर इसके बारे में और। ये गाड़ी धनबाद की सबसे सस्ती गाड़ियों में से स्पोर्ट 63 है, 48 वोल्ट, तो ये भी 2 ऑप्शंस के साथ आती है, एक SMI बैटरी के साथ और एक लिथियम बैटरी के साथ। SMI बैटरी के साथ 47,500 रुपये की पड़ती है इससे शुरू है और 56,000 रुपये लिथियम बैटरी के साथ। आप इलेक्ट्रॉनिक बाइक बहुत ही सस्ती मिल रही है पेट्रोल गाड़ी वगैरह से, इनके रेट भी कम है। इसका पूरा सेटअप आप देख सकते हैं, बहुत ही कूल लग रहा है ये सामने का, इसको दिखा दीजिए। LED बैकअप भी बहुत ही शानदार है, काफी औसम लुक लग रहा है। और बैक साइड का भी हम देख लेते हैं, अब हम इसको स्टार्ट करके बताएंगे कि इसका नॉइस कितना है। इसका हॉर्न भी थोड़ा सा, हॉर्न भी बहुत शानदार है इसका, एक एक पार्ट हम कैप्चर करेंगे।
डिस्प्ले बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। ये 3 गियर्स क्या है इसमें दिखा रहे हैं? ये 3 दिशा आती है, तो जैसे अगर हमें गाड़ी में चलानी है तो हम एक नंबर फर्स्ट गियर पे चलाएंगे, थोड़ी स्पीड बढ़ाने के लिए 2 नंबर, और स्पीड और आगे बढ़ाने के लिए 3 नंबर गियर पे जाएंगे। बस आप इसे हम चालू करके बता दिए आप इसकी खासियत। इसमें गाड़ियों में एक विशेषता होती है, जब भी इनका बैटरी लो होती है तो ऊपर एक सिग्नल है वो ब्लिंक करने लगता है, तो आपको पता चल जाता है कि लो बैटरी है, आप या तो उसको चार्ज पे आप लगा दें। काफ़ी कूल मॉडल है, आप लोकल में भी बहुत ही शानदार है ये गाड़ी, आपके आवागमन के लिए बहुत ही उपयोग युक्त है। और इसकी डिक्की वगैरह ये ऑफ हो चुकी है गाड़ी, तो हम इसकी डिक्की और देख लेते हैं। अगर हम इसको उठा के देखें तो बैटरीज होती हैं, ये लेड एसिड बैटरीज हैं। अमेजिंग लग रहा है काफ़ी, तो इसमें दोनों तरह की बैटरियाँ लगती हैं। तो इसमें पावर बैंक्स भी अवेलेबल रहती हैं क्या, ऐसा कुछ ऑप्शन अभी? नहीं नहीं, अभी तो ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, बाकी आने वाले हैं ये फीचर्स भी ऐड होने वाले हैं। काफ़ी शानदार लगा। सारी बाइक्स के बारे में हमने देख लिया है, जानकारी कर ली है, यानी हमें सारी जान इन्फॉर्मेशन दे दी है सारी बाइक्स के बारे में, आपने भी देख लिया काफ़ी फीचर्स हैं। भैया थोड़ा से पर्सनल सवाल, भाई साहब आप हमें ये बताएं कि आपने इसी शोरूम का क्यों सोचा, और भी आपके पास ऑप्शन थे? देखिए ई बाइक्स अब फ्यूचर की टेक्नोलॉजी नहीं रही है, अब ये हमारे आसपास हमें बहुत बड़ी तादाद में देखने को मिल रही हैं, और अब लोग सर्विस की डिमांड कर रहे हैं, और सर्विस के लिए किसी न किसी को तो खड़ा होना ही है, तो एक फ्यूचर के लिए अच्छा ऑप्शन भी था और समाज की हमारी सोसाइटी की नीड भी थी, तो दोनों को हमने सोचा समझा और उसके बाद इसको शुरू करने का फैसला किया। देख ही सकते हैं भाई साहब ने आपको बताया कि क्यों। और एक क्वेश्चन और सबसे बड़ा मतलब आता है हम लोग के पास, हाँ तुनवाल कंपनी की बाइक क्यों नहीं? देखिए जब हम सर्च कर रहे थे हमें देखना था कि कौन कौन सी कंपनियाँ इसमें काम कर रही हैं क्षेत्र में और अच्छा काम कर रही हैं, तो हमने देखा हीरो इलेक्ट्रिक भी है, A1 भी है, और जब हमने तुनवाल के बारे में जानकारी ली तो हमें पता चला कि आज की कंडीशन में इंडिया में सबसे ज़्यादा मॉडल तुनवाल के पास है, और सबसे लो कॉस्ट से इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है, मतलब एक सामान्य और मध्यम वर्ग की परिवार भी इसे बहुत आराम से खरीद सकता है, इसलिए हमने कम रेंज कम पैसा खर्च करने के हिसाब से इस गाड़ी को देखा कि कम पैसे में भी लोग इसे खरीद सकते हैं, इसलिए हमने एक मध्यम वर्गीय परिवार को ध्यान में रखी इस गाड़ी की फ्रेंचाइजी। तो भैया ने बता ही दिया हमें कि आप ये गाड़ी क्यों लें, और मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत ही शानदार ये गाड़ी, तो आप आएँ विजिट करें, आपको लेना है लें, नहीं लेना मत लें, कोई इसमें समस्या नहीं, बट आप आएँ। और भैया हमारा वीडियो जैसे देख के कोई आपके पास आता है तो उसके लिए क्या छूट है? उसके लिए बिल्कुल बराबर छूट मिलेगी, उसको आकर्षक हम छूट देंगे, अगर ये आपको कोई वीडियो तो प्रेफरेंस मिल रही है तो बिल्कुल उसको छूट दी जाएगी। हम लोगों ने बात कर ली आप लोग के लिए, तो आप बिल्कुल आएँ विजिट करें, भैया से मिलें। और एक सवाल और कि मतलब भविष्य में अपग्रेडेशन की क्या संभावना है? ये तो अभी स्टार्ट हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा क्रांति आने वाली है, जैसे हम देख रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनी इस मार्केट में उतर गई, जैसे ओला आने वाली है कुछ ही समय में, तो ये पूरा चार्जिंग पॉइंट्स का एक जाल बनने वाला है इंडिया में, और बहुत बड़े स्तर पे हर हाईवे के बाजू में, जैसे हम पेट्रोल पम्प डीजल पम्प देखते हैं वैसे अब चार्जिंग स्टेशन भी आपको देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर बहुत जल्द, मुझे लगता है, और शायद नरसिंहपुर का पहला चार्जिंग स्टेशन आपको यहीं हमारे सुपर व्हीकल्स पर ही देखने को मिलेगा,
तो कोशिश कर रहे हैं। और बाकी ये है कि अभी इन गाड़ियों में बहुत अपग्रेड आना बाकी है, हाई स्पीड्स गाड़ियाँ आना बाकी हैं और इनसे ज़्यादा पावरफुल और इनसे ज़्यादा किफ़ायती गाड़ियाँ आना अभी बाकी है। भैया ने हमें बता ही दिया है इसकी सारी चीज़ें। और एक क्वेश्चन हमारा भी ये था, हमने पूछा था भैया से कि इनमें पावर बैंक की व्यवस्था भी है कि नहीं। भैया ने बताया कि इन अभी तो नहीं है, मैंने मगर इन फ्यूचर ये आ सकती है। तो भैया अच्छा लगा आपसे मिलके, तो थैंक यू आप।